हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट बायो, चैप्टर टू, टिश्यूज। स्टूडेंट्स, द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर साइंस बायोलॉजी टिश्यू। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप और व्हाट। बच्चों, हमने अर्लियर चैप्टर जो पढ़ा था अबाउट द वॉट ऑफ सेल, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सेल इज़ अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल, है ना, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब हमने सेल पढ़ा तो इन सेल यू आर लुकिंग अबाउट द यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular means their body is itself one cell. Like you learn an example of amoeba, paramecium, etc. In unicellular, we see that all the life processes like nutrition, respiration, that takes place by the single cell. Okay, but in multicellular, that bodies contain many cells, take it na? Millions of cells in multicellular, there is the diffusion process is insufficient. Because of that, in multicellular, हम देखते हैं, we will see that there is about of divisions of labors. Main चीज क्या होती है इनमें? Division of labor. अब ये division of labor से meaning क्या है यहाँ पर? अगर हम simple कहें तो देखिए, आप देखते हैं कि किडनी है, मान लो बॉडी में क्या एक पार्ट किडनी है। अब किडनी का वर्क होता है कि ब्लड से वेस्ट को सेपरेट करना, फिल्टर करना, है ना। वी आर लुकिंग दैट अबाउट द हार्ट। हार्ट इट इज़ अबाउट ऑफ पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग द ब्लड, है ना। तो लाइक इट इज़ यू आर लुकिंग द लंग्स, दैट इज़ अबाउट ऑफ द फिल्ट्रेशन या सेपरेशन ऑफ गैसेज, ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated. So these are the different of the part having the different functions. This is division of labors. So that's in the animal or plant, there is a what we can say a group of cell. Hum simply kya kahenge yahan par? It is about of a group of cells, what it is said to be the tissue. The group of cells that can perform the different functions. Like you are looking, these are the what of said to be the tissue. Okay, now we are see that the animal and plant tissues are made of same type of tissues. क्या animal और plant tissues होते हैं वो same? तो no, because there are some differences. Plant tissue और animal tissue में कुछ differences हैं, है ना। क्या differences हैं? स्टूडेंट्स, यू ऑल लुकिंग दैट द प्लांट्स जो होते हैं दे आर स्टेशनरी, एक ही जगह पर होते हैं, है ना। एनिमल्स जो होते हैं दैट कैन बी मूव, है ना, हियर एंड देयर, है ना, उनमें क्या होता है? एक्टिव लोकोमोशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इनमें डिफ्रेंशिएट में कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स, ठीक है ना, फिक्स हैबिट। और एनिमल्स में क्या होता है? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड्स एक्टिव लोकोमोशन। प्लांट क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, दे नीड लेस मेंटेनेंस, है ना, एंड दे आर लोकोमोटिव, मींस दे नीड मोर मेंटेनेंस। प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिंपल होता है। एनिमल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीट। इन प्लांट द ग्रोथ इज लिमिटेड सर्टेन रीजन्स, एंड इन एनिमल्स द ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड इन अ सर्टेन रीजन। सो वी कैन से द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज are not made by the same type of tissue, that having the what of different types of tissue. Now we will see about the plant tissue. अब हम पढ़ रहे हैं कि plant tissues और उनके types क्या होते हैं। Plant tissues mainly हम दो types से divide करते हैं। एक होते हैं meristematic tissue और दूसरे होते हैं permanent tissue. तो first students we see about the meristematic tissue. आपको ये जो picture दिख रहा है, location of meristematic tissue,
Meristematic tissues we can further divide into the three regions, number one apical, number two intercalary, number three lateral. It is the three regions or types of the meristematic tissue. Simply, number one you are looking, it is about of apical meristem. Abhi apical meristem jo hote hain, these are generally present in the tip of roots and stems. Kahan hote hain ye? Tips of root and stems. Jo stem of roots ki tip, ye jaise aapko dikh raha tip part, and this is a growing region. ये एक्चुअल में क्या होते हैं ग्रोइंग रीजन. तो यहाँ की सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं. तो दिस एपिकल मेरिस्टेम दैट हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट. नंबर टू रीजन यू आर लुकिंग, इट इज इंटर कैलरी. सेकेंड अभी आपने देखा यहाँ पर क्या होता है इंटर कैलरी. अभी इंटर कैलरी मेरिस्टेम यू आर लुकिंग, इट इज फाउंड इन द नोड्स और इंटर नोड्स. ये जो लीव्स ब्रांचेज हैं इनकी नोड्स या इंटर नोड्स जो हैं इनमें कौन से टिश्यूज दिख रहे हैं, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम. सो दिस कैन बी इंक्रीज, ठीक है ना, द ग्रोथ ऑफ नोड्स और इंटर नोड्स. द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट इज लैटरल. ये जो आप देखते हैं कि जो स्टेम्स हैं, ठीक है ना, नंबर थ्री, इट इज अबाउट ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. इसे हम कैम्बियम भी कहते हैं. इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, कैम्बियम. आपने देखा कि जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं ना, उन ऑल्ड स्टेम के जो स्टेम्स होते हैं इनमें आप जनरली देखते हैं इट इज़ लैटरल मेरिस्टेम. तो व्हाट इट्स कैन बी व्हाट ऑफ इंक्रीज द गिर्थ, जो उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है ना, गिर्थ, उस स्टेम की गिर्थ को इंक्रीज करते हैं कौन, लैटरल मेरिस्टेम. तो फर्स्ट प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट हैविंग द थ्री पार्ट्स एपिकल इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम. तो इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन अभी आपने पढ़े. द नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू. सेकेंड प्लांट्स में क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू. अभी परमानेंट टिश्यू हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स से. एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू वी आर फर्दर डिवाइड इन टू टू टाइप्स, सिंपल सपोर्टिव एंड सिंपल प्रोटेक्टिव. सिंपल सपोर्टिव टिश्यू आर ऑफ द थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, ठीक है ना, नंबर वन कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और सिंपल प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस एंड बार्क. सो इट इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू. नाउ वी आर नोन अबाउट, वी सी अबाउट द पैरेन्काइमा, सिंपल सपोर्टिव टिश्यू. Parenchyma is a simple supportive tissue. It is active, soft part. कहाँ located होता है? It is located soft part of plant. Plant के जो soft part होते हैं उनमें located होता है. Cells are thin, oval shaped, ठीक है ना. इनकी cells आपको picture में दिख रहा है, they are the oval shaped और thin होती हैं. There is intercellular spaces. इन सेल्स के बीच में हमको दिख रहे हैं ये क्या है, इट इज़ इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्ट एज अ पैकेजिंग टिश्यू, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, तो पैरेन्काइमा, ठीक है ना, सेल्स आर थीन ओवल इंटरसेलुलर स्पेस. ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है. इनका मेन फंक्शन आपने देखा पैकेजिंग टिश्यू, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. इनको हम फर्दर टू टाइप से पढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा. अब क्लोरेन्काइमा अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, इट कंटेन क्लोरोफिल. इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. और एरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये जनरली किसमें होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, और इनमें होती हैं एयर कैविटीज. In that air is filled which help in buoyancy. So it is a simple supportive first tissue parenchyma. The second one it is collenchyma.
बच्चों आपने देखा होगा कि सम टाइम हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ब्रांचेस वगैरह, जब हम उनको मूवमेंट करवाते हैं तो ब्रेक नहीं होता है, मतलब उनमें क्या होती हैं फ्लैक्सीबिलिटी। तो ऐसे पार्ट जो होते हैं उनमें जो टिश्यू होते हैं, दैट्स नेम इट इज़ अबाउट ऑफ कोलेनकाइमा। कौन से टिश्यू होते हैं ये? कोलेनकाइमा, है ना। दिस इज लोकेटेड इन लीफ स्टाक, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस। कहाँ होते हैं? लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस। ये लिविंग सेल्स एलोंगेटेड इन शेप होती हैं, इनमें वेरी लिटल और नो स्पेस बिटवीन द सेल, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो यू आर लुकिंग इट इज द सेल वॉल। ये सेल वॉल, ये जो कॉर्नर्स पे क्या होता है, थिक एंड है, ठीक है ना। सो दिस इज लोकेटेड, क्या थी इसकी, लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। सेल्स लिविंग है, इलोंगेटेड इन शेप है, थिक एंड एट कॉर्नर होती हैं, वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस है। ये इनके फीचर्स हो गए। इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लैक्सीबिलिटी टू द प्लांट। ओके, नाउ द थर्ड सिंपल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा और इसको अपन फाइबर्स भी कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड लीफ वेन, है ना, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स, मतलब लीफ और वेन और जो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जैसे हम लोग नट्स वगैरह खा के नहीं खाते हैं, कोकोनट होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, तो इनके आउटर कवरिंग क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इन हार्ड पार्ट में कौन से टिश्यू होते हैं? इट इज़ स्क्लेरेनकाइमा। इनकी सेल्स डेड होती हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। और जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, और वो थिक सेल वॉल जो होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये एक लिग्निन जो होता है, इट इज़ अ हार्ड सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, विच इज़ डिपॉजिटेड। सो दिस इज़ द लिग्निफाइड थिक वॉल। इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है ना, एंड मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिप। जैसे कभी कभी पूछते हैं कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है वो हार्ड होता है, तो विच टिश्यू से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब अपन सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें तो दे आर द बोट ऑफ नंबर वन एपिडर्मिस, और नंबर टू क्या होता है इसमें, बार्क। ओके, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट लाइक स्टेम रूट एंड लीव। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इन डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें सिंगल लेयर होता है। इट्स कवर्ड विथ वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, ठीक है ना। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस की, वो किससे कवर्ड होती है? क्यूटिन, ठीक है ना। एंड दैट इज़ अबाउट ऑफ हैव, इनमें एपिडर्मिस जो होता हैव द माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर्स, इनमें क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स होते हैं, और इन माइन्यूट पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। द एपिडर्मिस हैव द माइन्यूट पोर्स, व्हाट दे आर कॉलिंग ऑफ स्टोमेटा। इन पिक्चर आपको देख रहे हैं, ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर ये माइन्यूट पोर्स दिख रहे हैं हमें। इस माइन्यूट पोर्स को अपन क्या कहते हैं? इट इज़ द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं दैट इज़ अबाउट ऑफ गार्डेड बाय गार्ड सेल लाइक दिस। ये गार्डेड होते हैं गार्ड सेल, दैट इज़ अबाउट ऑफ किडनी शेप भी अपन इनको बोल सकते हैं। एंड दिस हैविंग द टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इन स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन होते हैं। नंबर वन, इनका फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। और नंबर टू इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ओके, सेकेंड, जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग जो होती है, स्टेम्स आउटर कवरिंग, वो क्या होती है? बार्क होती है। इस बार्क जो होता है, इनकी सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, है ना। नो इंटरसेलुलर स्पेस, दैट आर द वोट ऑफ डेड। ये सेल्स क्या होती हैं? इनके अंदर डेड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। एंड देट आर द वोट ऑफ कवरिंग बाय द वोट ऑफ अ केमिकल
दैट्स नेम इट इज सुबेरिन, एक केमिकल इनके होता है सुबेरिन, विच इज अबाउट ऑफ इम्पीरियस टू गैसेस ठीक है ना एंड वाटर. सो दीज आर द सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस एंड द बार्क. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न द चैप्टर ठीक है ना वेरी नाइसली. थैंक्स ऑल फॉर टूडे.